नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आज आप लोगों के लिए एक नए समाचार के साथ उपस्थित हूँ, बेहद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, जिसका था सभी को इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। यूपी ट्रिपल एससी पेट जो नौकरियों का एक सौगात लेकर आया है, लगभग 40,000 प्लस नौकरियों के साथ उसकी एग्ज़ाम डेट हुई घोषित। देखिए, कल से ही ये चल रही थी बात कि 19 अगस्त को एग्ज़ाम है, लेकिन आज ये पूर्णतया 19 अगस्त को मुहर्रम होने के नाते 20 को एग्ज़ाम प्रस्तावित हो गया और आज आयोग ने भी जो है नोटिस दे दिया। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट डेट 2021 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने ग्रुप सी के हजारों पद पर भर्ती होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की तिथि घोषित कर दी है। लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार इसकी परीक्षा कब होगी? 20 अगस्त को होगी। ध्यान दीजिए, परीक्षा कब है? 20 अगस्त को है, 20 अगस्त को है इसका एग्ज़ाम। चलिए, अब हम देखते हैं इसका जो प्रमाण है वो कहाँ है। ये देखिए, आयोग ने घोषित कर दिया। आप देखिए, 3 जून की ये खबर है, बहुत लेटेस्ट है। लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा भर्ती 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पेट का फुल फॉर्म होता है, 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आयोग के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एडेड द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा दिनांक 20/8/2021 दिन शुक्रवार को 2 पालियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से अर्थात सूचित किया जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो एडमिट कार्ड की बात है, किसकी बात, एडमिट कार्ड की जो बात है वो जो है आपको अलग से सूचना वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन जो परीक्षा एग्ज़ाम डेट है यानी जो परीक्षा तिथि है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये आपका 20 अगस्त को है। ठीक, तो ये 20 अगस्त को एग्ज़ाम डेट है। अब आइए कुछ हम इस पर चर्चा कर लें कि एग्ज़ाम किस तरीके के होगा, कैसे होगा। देखिए, मैं सब पहले बता दूँ आपको कि पहली चीज़, ये एग्ज़ाम जो है 2 पालियों में होगा, 2 पालियों में होगा। ठीक, लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगा, ये भी तय है, क्योंकि कोरोना के मद्देनज़र देखते हुए बहुत ज़्यादा संख्या एक सेंटर पर नहीं की जाएगी, इसलिए तो ये 2 पालियों में होगा। और 1/4 यानी 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है। ठीक, ऋणात्मक मार्किंग है इसमें। अगर आप कोई प्रश्न नहीं आता है, आपने गलत किया है, तो उसका तो कटेगा ही, एक और कर जो है करेंगे उसका भी 1/4 नंबर आपका 1/4 नंबर या हम कहते 0.25 कट जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा कि ये निगेटिव है। ठीक, और फिर मैं आपको बता दूं कि टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो इसमें 100 होगी, 100 प्रश्न होंगे आपके, अभी तक जो भी जानकारी है उसके माध्यम से 100 ही प्रश्न होंगे। सिलेबस आपका वेबसाइट पर दे दिया गया है। ठीक, यानी अब आप समझ लीजिए कि माइनस मार्किंग है, इसका मतलब कंपटीशन इतना हाई है कि अगर आप 80 प्लस लाते हैं तो आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं, मैं मानता हूं कि ये आपका नौकरी दिलाने वाला नहीं है कि नौकरी ही मिल जाएगी इससे, लेकिन यहीं से आप शुरुआत करते हैं, तो 80 प्लस अंकों के साथ अगर आप इसमें अपना आगाज करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपकी कदम चूमेगी। और इसके लिए आप अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। देखिए, बहुत से चैनल हैं, हमारा चैनल भी संजीवनी सीरीज के माध्यम से, संजीवनी सीरीज के नाम से 10-10 क्वेश्चन का एक एपिसोड लाता है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, इसके लिए उसको भी आप ज़रूर देखें। और पीडीएफ के लिए जीएसएम क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम है, उस पर बहुत सा मटेरियल है, वहाँ से जो है आप उसको जो है सब्सक्राइब कर लें, उसको वहाँ से जो है शामिल हो जाएं, टेलीग्राम पे जाकर जीएसएम क्लासेस सर्च कर लें, वहाँ से पढ़ जाएं, तो उसको भी आपको वहाँ से मिलता रहेगा। और निश्चित ही आप मानिए कि जब आप 80 प्लस अंक पा जाएंगे, तो आप अगली परीक्षा के लिए पूर्णतया समझिए कि एलिजिबल हो गए और आप कहीं ना कहीं इसी वर्ष में आपका सिलेक्शन हो जाना तय माना जा रहा है। बहुत सी विचारधाराएँ मन में आती हैं, शायद इलेक्शन के नाते ये सब चीज़ हो रहा है, ऐसा आप बिल्कुल ना करें, हमेशा बी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रखें आप। ठीक, थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होना चाहिए, किसी भी सफलता के लिए ये भी ज़रूरी है।
निगेटिव थिंकिंग का कोई चांस नहीं है सक्सेस में। ये आप समझें, जो है निगेटिव थिंकिंग करेंगे और आप सक्सेस जाएंगे, वहाँ पर आपका कोई चांस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित ये परीक्षा आपकी 20 अगस्त को होगी और आप पूरी तैयारी के साथ कवर कर लीजिए। समझ लीजिए यही जो है लड़ाई आपकी जो है अंतिम हो गई। और अब आप मान लीजिए कि इस परीक्षा के लिए जो है आप YouTube चैनल भी मेरा देखते रहिए, और ये भी बहुत सी जो है मटेरियल्स है, कई चैनल्स हैं, आप GSM क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अथेंटिक न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और निश्चित ही आपको ये सूचना अच्छी लगी होगी, ऐसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करिए, और मैं आपको मिलूँगा आप अगली सूचना के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।